अक्षर कुछ पास होता है तो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये ऐसे यूज होता है यहाँ पे, तो ये मार देता है यहाँ पे। तो इसका ये लाइट चेंज करने का या फिर इसको क्लियर करने का ये प्रोसीजर था। बढ़िया बढ़िया वीडियोस देखने के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी। हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कुछ अलग। आज हम आपके सामने एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें आज हम बात करने वाले हैं मॉस्किटो या इंसेक्ट किलर, जो कि आपके सामने आप देख रहे हैं। इसमें हम गर्मी में या ठंड में कभी भी यूज कर सकते हैं, अगर आपके घर में मच्छर मक्खी ज़्यादा है तो इसमें हमको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करनी पड़ती है, जिसकी हेल्प से यहाँ पे ये ट्यूबलाइट ऑन हो जाती है। और ट्यूबलाइट को देख के, लाइट को देख के कोई भी इंसेक्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, तो ये उसको मार देता है करंट से। तो अभी बात करेंगे हम इसमें कि अगर ये ट्यूबलाइट ख़राब हो जाती है अंदर वाली, तो इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। हम आपको इसमें दिखाने वाले स्टेप बाय स्टेप कि इसका क्या प्रोसीजर है और इसको कैसे ओपन कर सकते हैं। अगर आप बाहर लेके जाते हैं तो कोई भी इलेक्ट्रिशियन आपको अच्छा चार्ज ले लेगा इसका। तो हम आपको बताएंगे कि आप इसका घर में कैसे खुद यूज़ कर सकते हैं और कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें हमको बस दो तीन चीज़ों की यूज़ है। एक ये छोटा टेस्टर, या फिर आप ये बड़ा पेचकस ले सकते हैं जिसके चार मुंह वाला पेचकस। तो इसमें हम आप देखेंगे साइड में जो यहाँ पे भी पेच लगे हुए हैं, चार यहाँ पे लगे हुए हैं और चार इस साइड लगे हुए हैं, बट हमें उन्हें ओपन नहीं करना है। अगर आपको ट्यूबलाइट या अंदर से इसे क्लीन करना है तो इसमें हमको बस ये वाले दो पेच ओपन करने हैं, एक ये वाला। मरे हुए होंगे वो पूरा साफ हो जाएगा। ये इसका प्रोसीजर है। यहाँ से आप लाइट को घुमा के चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे चेंज हो जाती है लाइट, और आपको साइज़ देखना पड़ेगा कि इसी साइज़ की आपकी ट्यूबलाइट हो, छोटी बड़ी होगी तो आपकी यहाँ पे बिल्कुल सेट नहीं बैठेगी। तो इसका ये प्रोसीजर था। अब इसको हम अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, फिर आगे आपको दोबारा से इसका दिखाते हैं बंद करके कैसे हम इसे बंद कर सकते हैं। ट्यूबलाइट चेंज कर दी है, ये वाली दूसरी ट्यूबलाइट है, और जो हमारे पहले थी वो हमने चेंज कर दी, वो ख़राब हो चुकी थी। तो अब इसके अंदर यहाँ पे ये इसके आपको दोनों साइड जैक दिखाई दे रहे हैं ट्यूबलाइट के, और यहाँ पे इसका होल्डर है, तो इसके अंदर हमें अच्छे से फिक्स करना है। तो हम यहाँ से दोनों साइड अच्छे से फिक्स कर देंगे इसको अंदर हल्का सा प्रेस करके। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने प्रेस करके अच्छे से फिक्स कर दिया है। इसके बाद हमें इसको घुमाना पड़ेगा जिससे अच्छे से फिक्स हो जाएगी। तो अब ये हमारा पूरा काम हो चुका है, ट्यूबलाइट चेंज हो चुकी है। तो अब हमारा काम है इसकी जो जालियाँ थी वो हमें अच्छे से फिक्स करनी है। तो इसको हम ऐसे नीचे लिटा लेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ से आप इसमें भी देखेंगे तो यहाँ पे इसका अलग से लाइन है, उसके अंदर हमें ये ट्यूबलाइट ये जाली डालनी है। बंद करिए यार वीडियो।
तो आप देख सकते हैं ये जाली इसकी बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुकी है जहाँ पे ये इसके पेच लगेंगे। तो हम इसके पेच लगा देते हैं यहाँ पे। हमने दोनों साइड की जालियाँ बिल्कुल अच्छे से फिक्स कर दी है। तो अब बात करते हैं हम नीचे की इसकी ट्रे की। तो अब ये ट्रे हम यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके लिए यहाँ पे फिक्स करने के लिए लगा दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसके अंदर हम दोनों साइड अच्छे से सेट करके इसको अंदर पुश कर देंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगी। जितने भी आपके मच्छर वगैरह मरेंगे तो वो आपके इसमें आके गिर जाएंगे और इसको आप टाइम टू टाइम आप साफ कर सकते हैं। तो अब हम आपको इसको जला के दिखा देते हैं, ऑन कर देते हैं। यहाँ पे इसमें प्लग में लगा देते हैं इसका ये वाला पार्ट। तो अब यहाँ से ऑन कर देते हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे ये बटन है, इसको ऑन ऑफ करने पे ये लाइट आपकी ऑन हो जाएगी। देन उसके बाद अगर इसमें से मच्छर कुछ पास होता है तो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये ऐसे यूज़ होता है यहाँ पे, तो ये मार देता है यहाँ पे। तो इसका ये लाइट चेंज करने का या फिर इसको क्लियर करने का ये प्रोसीजर था। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी जल्दी रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं ऐसी किसी बड़ी ऐसी वीडियो में, जब तक लेट टेलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।